ये रोड सीधे जाती है आपकी अंबुजा मॉल, और ये सामने रिलायंस स्मार्ट, देन शंकरा हुंडई, और ये रोड सीधे जाती है आपकी पंडरी बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन। ये रिलायंस स्मार्ट के सामने खड़ा हूँ मैं, ऊपर करीम्स है एंड लाइफ फिटनेस, और हम विज़िट करने जा रहे हैं VVD सिटी, जो यहाँ से सिर्फ 1.1 किलोमीटर्स आगे है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने साइट पे पहुंच गए हैं VVD सिटी। ये एक रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, और ये जस्ट बिहाइंड अशोका इम्प्रेशन के जस्ट पीछे है। ये पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो अशोका इम्प्रेशन है, और ये रिलायंस स्मार्ट जो मोवा में रिलायंस स्मार्ट है और हकीम से वहाँ से 1 किलोमीटर है। ये जो आपको रोड दिख रही है, ये स्मार्ट सिटी रोड के अंडर में 4-लेन रोड है, प्रपोज रोड है, और ये आपको यहाँ पे दिखेगा रायपुर का इकलौता साइंस सेंटर, और ये VVD सिटी प्रोजेक्ट अशोका इम्प्रेशन। एंड इस तरफ ये रोड जाती है, इसको रोड बोलते हैं दलदल सिवनी रोड, जो कि कूल होम्स एंड हर्ष प्राइड और बाकी जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इधर आगे मैं आपको लिंक करते हैं। यहाँ पे आपको साईं विहार अपार्टमेंट्स मिलेंगे, और एक बिल्डिंग आपको यहाँ दिखेगी, इसका नाम है अभिनव स्काई। अब हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, और यहाँ का पूरा जो भी प्रपोज्ड वर्क है रेरा के अंडर में, पूरा रोड वर्क कंप्लीट हो चुका है फेज़ 1 में। यहाँ पे आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बालाजी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। ये हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे ये गार्डन है विथ 2 ब्यूटीफुल गजीबोस। गार्डन टूर और बाकी की जो एमिनिटीज़ है उसका मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, पहले मैं आपको प्लॉट्स दिखा देता हूँ। ये हम प्रोजेक्ट के सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूरा वर्क जितना भी प्रपोज्ड वर्क है सब कंप्लीट हो चुका है। ओनली मैं कहूँगा 5% वर्क, थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग वर्क है बचा है। इवन प्लॉट्स की मार्किंग भी हो चुकी है। यहाँ पे पूरा जो भी वर्क है, जो आपको एमिनिटी, जो घरों के लिए लाइंस हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं केबलिंग एंड आपका सीवेज लाइन, वाटर कनेक्शन, एवरीथिंग इज़ अंडरग्राउंड, और जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए केबलिंग, सीवेज लाइन, वाटर, ये वाटर पाइपलाइन दिख रही है आपको, सब कुछ हर प्लॉट के लिए प्रॉपर मार्किंग के साथ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और स्ट्रीट लाइट वर्क भी कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है ये, छोटा सा है, लिमिटेड प्लॉट्स हैं, और सबसे बड़ी बात पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, रेडी टू मूव है, रेडी फॉर पोजीशन है एंड रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं, ये एवरेज 30x50 के 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं, और ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग, और यहाँ पे भी
थोड़े से बड़े प्लॉट्स हैं, 1570 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं यहाँ पे, ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग, 1570, 2000, 1800 ऐसे प्लॉट्स हैं। एवरेज जो साइज़ आपको मिलेगी 1500 और 1570 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स की मिलेगी। अब मैं आपको गार्डन टूर करवाता हूँ। ये हमारा एंट्रेंस है, ये हम सेंटर में खड़े हैं, बिल्कुल छोटा सा कैंपस है, बिल्कुल छोटा सा और बहुत प्यारा सा। अब मैं आपको गार्डन टूर कराता हूँ। ये गार्डन एंट्रेंस है विथ टू ब्यूटीफुल सिटिंग गजीबोस। यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ इवनिंग में बैठें, नाइट वॉक के बाद बैठें, आराम करें। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, एक अलग ही ऑरा है इस जगह का। देखिए, एक बार अंदर ले जाके आपको बिठा के दिखाता हूँ। जस्ट सी, आप अपने फैमिली के साथ बैठे हैं इस ब्यूटीफुल जगह पर, क्या हवा चल रही है, वाह। आपके यहाँ विजिटर्स आ रहे हैं घूमने, उनको बिठाइए यहाँ पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पार्क वार्क सबसे बहुत प्यारा है, पूरा गार्डन वर्क किया हुआ है। लिमिटेड 28 प्लॉट्स की सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी है, लिमिटेड लोग, अच्छे लोग, ज़्यादा हौश पौश नहीं। और पूरा बाउंड्री कवर्ड एरिया, पूरा कवर्ड कैंपस, कम्प्लीटली कवर्ड, 24/7 सिक्योरिटी। ये ओपन थिएटर के लिए जगह बनाई गई है, ओपन थिएटर एरिया। दिस इज़ टेंपल एरिया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, यहाँ टेंपल रहेगा। एंड यहाँ पे क्लब हाउस रहेगा सोसाइटी का, नीचे में क्लब हाउस रहेगा, हॉल रहेगा, रिक्रिएशन हॉल एंड ऑल, और ऊपर में जिम रहेगा सोसाइटी का। एंड यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ EWS एरिया, 15,000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, जो कि EWS में एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स छोड़ना पड़ता है, उसके लिए अलग से बाउंड्री वॉल खींच दी गई है। और यहाँ पे हमारी सोसाइटी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सोसाइटी। ये ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे रखा दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर यहाँ है, एक ट्रांसफार्मर वहाँ आपको आगे दिख जाएगा इस जगह पे। 200 kVA के ट्रांसफार्मर्स दो, मोर देन एनफ। सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, दैट इज़ अभिनव स्काई, सॉरी दिस इज अभिनव स्काई। दिस इज साई विहार अपार्टमेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा हाइट से दिखाता हूँ कि क्या ब्यूटीफुल सोसाइटी है ये। ये देखिए, कितनी प्यारी सोसाइटी, एकदम सुंदर शांत वातावरण शहर के बीचों बीच। यहाँ पे कुछ और प्लॉट हैं, LIG प्लॉट्स हैं, ये 6 प्लॉट्स हैं 600 स्क्वायर फीट के। अगर आप छोटे प्लॉट भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ रोड से आपको दिखेगा ये बाउंड्री वॉल जो चल रही है यहाँ से लेके हमारी एंड तक, क्योंकि हम लोग एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, तो जो बाउंड्री वॉल दिख रही है वहाँ पे पूरी शॉप्स आएंगी 200 स्क्वायर फीट की, दैट विल बी कवर्ड अंडर फेस टू। तो ये कॉर्नर्स में आपको पूरी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पे आपको मेन रोड पे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम शहर के बीच में हैं और ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको बालाजी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी, सबसे बड़ा रायपुर का नामी गिरामी हॉस्पिटल बालाजी हॉस्पिटल यहाँ पे। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ आधा किलोमीटर आगे यहाँ से आपको अंबुजा मॉल दिख जाएगा।
आप मैप में देखेंगे आपको अंबुजा मॉल दिख जाएगा, यहाँ सिर्फ आधा किलोमीटर आगे। और ये गोकुल अपार्टमेंट्स जो हैं इसके सामने जो आपको एरिया दिख रहा है, ग्रीन एरिया पूरा, दिस इज़ अराउंड 200 acres इंदिरा गांधी स्मृति भवन, जो कि यहाँ ग्रीन एरिया रहेगा हमेशा फॉर फ्यूचर प्रपोज। ये 200 एकड़ का एक ग्रीन एरिया गार्डन एरिया है और पूरा पाथवे वहाँ बना हुआ है, मॉर्निंग वॉक में भी वहाँ पे भी जा सकते हैं। वैसे तो आपको अपनी सोसाइटी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी प्यारी सोसाइटी, पर आपको जैसे अगर लंबा वॉक करना है मॉर्निंग में तो यहाँ पे सिर्फ 200 मीटर आगे इंदिरा गांधी स्मृति भवन, 200 एकड़ का एक बहुत ब्यूटीफुल गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का एक गार्डन एरिया है जो कि ग्रीन एरिया रहेगा इन फ्यूचर ऑलवेज। तो आपको यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ से मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपको यहाँ साइट विज़िट करनी है या प्लॉट्स लेने हैं या किसी भी टाइप की इंक्वायरी आपकी, तो मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है वीडियो में, 8878881430। मुझे कॉल करिए और विज़िट के लिए टाइम बुक करिए, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ के ऑनर से मिलवाऊँगा और लेट्स होप आप यहाँ अगर प्लॉट ले पाएँ। ये हम वापस प्रोजेक्ट के सेंटर में आ गए हैं। अब मैं आपको एग्ज़िट से दूसरे रोड से विज़िट कराते हुए ये ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। बहुत प्यारा यार, मतलब यहाँ आके दिल खुश हो जाता है। 40 फीट के एंट्रेंस रोड और 30 फीट के अंदर के कनेक्टिंग रोड्स, 40 फीट के मेन रोड अलॉन्ग विथ पेवर ब्लॉक्स, पूरे सोसाइटी में आपके प्लॉट के सामने ही पेवर ब्लॉक्स रहेंगे, पेवर ब्लॉक्स पाथवे, ब्यूटीफुल एंट्रेंस। आप कभी यहाँ खुद से भी विज़िट करेंगे अगर, तो यहाँ पे मेरा नंबर डला हुआ है नीचे वाला, 8878881430। कुछ भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी हो, डाउट्स हो, विज़िट करना हो, एनीथिंग, आप मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, यूट्यूब पे मैसेज करिए और अपनी इंक्वायरीज बताइए। अब हम एग्ज़िट करेंगे ब्लॉग को दूसरे इस वाली रोड से ही फॉलो करते हुए, अंबुजा मॉल की तरफ से निकलते हुए एंड साइंस सेंटर दिखाते हुए मैं आपको ब्लॉग को एग्ज़िट करूँगा। इंदिरा गांधी स्मृति वन का मेन गेट यहाँ से रहेगा एंड दैट इज़ 200 एकर ब्यूटीफुल गार्डन एरिया। दिस इज़ छत्तीसगढ़ विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी परिषद, आई थिंक गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है विज्ञान भवन के नाम से। और सामने मैंने जैसा आपको बताया था, बिल्कुल सामने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल, रायपुर का इकलौता सबसे प्यारा ब्यूटीफुल मॉल। ये रायपुर का इकलौता साइंस सेंटर, द साइंस सेंटर ऑफ रायपुर। ये रोड, ये जो रोड है आगे दिख रही है आपको, ये सीधा अविनाश कैपिटल होम्स की तरफ निकल जाती है एंड वी आर एग्जिटिंग टुवर्ड्स अंबुजा मॉल या अंबुजा मॉल। अंबुजा मॉल ब्यूटीफुल मॉल ऑफ द रायपुर, सबसे ब्यूटीफुल मॉल रायपुर का। तो गाइज ये व्लॉग को एग्जिट करते हुए ये हम लोग विधानसभा रोड को टच कर चुके हैं वापस, विधानसभा रोड, दिस इज शेफ किचन। और मैं आपको व्लॉग एग्जिट करते हुए टाटा बाय बाय